आज 22 अप्रैल 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 22nd अप्रैल 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा का जादू चल रहा है, जैसे जैसे बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, ईश्वरीय नशा और निशाना पक्का होता है। बाबा का एक एक शब्द बहुत शक्ति देता है और पल पल ऐसे अनुभव होता है कि बाबा ही चला रहा है। कल की साक्षी अवस्था के मुरली के ऊपर बहुत भाई बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, जिन बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उनका पुरुषार्थ भी कुछ ना कुछ निमित्त होके वो आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे। और कुछ बाबा के बच्चे जो डिफिकल्टी अनुभव करते हैं, उनको भी ये रियलाइज होगा कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, जिन आत्माओं को स्टेज पे आना है वर्ल्ड की, वो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। हमको निराश नहीं होना है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का जो पथ है वो टफ है, भले बाबा कहता है सहज योग है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम ये देखते हैं कि सभी भाई बहनों को ये सहज लगता नहीं है। थ्योरी में लगता है सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तब बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एज अ काउंसलर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको कोशिश जारी रखनी चाहिए और निराश नहीं होना है। आज की पूरी मुरली बाबा ने जो चलाई है, दो शब्द, वो दो शब्द भक्ति मार्ग में भी बहुत फेमस है। कभी-कभी मुझे लगता है कि ये बेसिक शब्दों के ऊपर, जैसे हमने कल साक्षी और साथी के ऊपर देखा, ऐसे इनकी गहराई में लेके जाए, तो आज वो दो शब्द जो भक्ति मार्ग में भी इस्तेमाल करते हैं, वो है स्वभाव और संस्कार। जिसको प्रेरणा लेना है वो किसी भी शब्द से प्रेरणा ले लेता है, और जिसको निराश होना है वो किसी भी शब्द से निराश हो जाता है। लेने वाले के ऊपर है कि हम कैसे लेते हैं। पूरा खेल ये दृष्टिकोण का है। कुछ लोगों को बाबा की बातें चुभती भी है और कुछ लोगों को वही बात से इंस्पिरेशन मिलता है। हमारा दृष्टिकोण जितना सकारात्मक है उतना हम इन बातों को बहुत पॉजिटिवली इंस्पिरेशन बन के ले सकते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि बाबा हमारे अच्छे के लिए सब बातें सुनाता है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे निराश हो, थक जाए, हिम्मत हार जाए। उल्टा हिम्मत दुगना बढ़ाना चाहिए। कितने अनुभव मैं आपको सुना सकता हूँ।
मैं एक सेशन लेता हूँ जिसका नाम है स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। ये शब्द में ही जादू है, स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। माना चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अपनी सकारात्मकता नहीं छोड़ना चाहिए। जब व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे लिए पेपर बनती है, जस्ट स्टे पॉजिटिव। रिजल्ट आपके फेवर में आना ही है, सिर्फ टाइम लग सकता है। कितने सारे अनुभव रोज करता हूँ मैं बाबा के मदद के, और वो भी मैजिकल एक्सपीरियंस होते हैं। अगर सुनाने जाओ तो बहुत समय जाएगा। हम स्वभाव संस्कार के ऊपर आते हैं। बाबा ने आज बच्चों को सर्टिफिकेट याद दिलाया है। देखो, लोग भगवान को याद करते हैं, और भगवान किसको याद करता है? उन बच्चों को याद करता है जिनके अंदर दैवी मैनर्स है, जिनका स्वभाव बहुत मीठा और शांत है। तो बाबा उनको दिल से दुआ देते हैं, यज्ञ सेवा से स्नेह है, कभी थकते नहीं है सर्विस में। तो बाबा ऐसे बच्चों को इजाफा देते, खातिरी करते हैं, और बाबा हमको देख के हर्षित होते हैं। आप सोचो, भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के निमित्त बनते हैं, जो है ही खुशी का सागर, लेकिन उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट किससे आती है? तो हम बच्चों की वजह से आती है। लौकिक में माँ बाप, आप देखो, अपने बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम कमा रहा है, तो माँ बाप को बहुत गर्व फील होता है। यहाँ पर भी बाबा ये कह रहा है कि जो मेरे बच्चे सर्विसेबल है, अथक है, यज्ञ सेवा से स्नेह है और मददगार है। अभी मददगार की भी डेफिनेशन बाबा ने दी है। वैसे तो बाबा का हर बच्चा मददगार है, तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प, लेकिन बाबा ने आज विशेष मददगार किसको कहा है? तो बाकी सब आप हो ही सहयोगी, लेकिन जिनका स्वभाव देवताई है वो मददगार बच्चे हैं। तो अपने आप को चेक करो, अपने आप से बात करेंगे, क्या मेरा स्वभाव देवताई है? जब भगवान हमारे सामने ज्ञान की डांस कर रहा है, डमरू बजा रहा है, शिव का डमरू बज रहा है, ज्ञान के गीत सुना रहा है हमको, इसलिए गीता कहा गया है। गीता माना गीत है जो स्वयं भगवान ने गाया है। लौकिक में लता मंगेशकर गीत गाते हैं, या और भी जो फेमस सिंगर है वो गीत गाते हैं, तो उनकी कितनी महिमा होती है। आप सोचो, भगवान आपके सामने गीत गाता है तो अवस्था क्या होनी चाहिए? पर बाबा ने आज फिर से कहा कि जिसके अंदर ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती। तो बाबा स्पष्ट बता रहा है कि खुशी कम रहने का कारण बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं है। माया खुशी में रहने नहीं देती है। आज तो बाबा ने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है जो बात मत पूछो। बाबा को दो बार आज की मुरली में कहना पड़ा, मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा। बाबा ने दो बार कहा है, एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा चाहता नहीं है, लेकिन क्या करे। माँ बाप बच्चों को कितना समझाते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो बाप क्या कर सकता है, माँ क्या कर सकती है? तो बाबा ने आज बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं। बाबा ने समझाया, कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है। अंडरलाइन है बाबा के हर बच्चे के लिए। जब हम कहते हैं एक तरफ हम भगवान के बच्चे हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं, तो सुखकर्ता दुखहर्ता के बच्चे कितने सुखदायी होने चाहिए। लेकिन आप कल्पना करो, कोई बाबा का बच्चा बनकर किसको दुख देता है, तो सारा राज्य भाग्य गवाए डंडे खाने के लायक बन पड़ेंगे। सोचो, बाबा ने आज वो शास्त्रों की फेमस कथा को भी याद किया, अमृत
अमृत बांट रहे थे, है ना। कथा अलग है, बाबा ने आज अलग भाव से कहा है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। एक्चुअली ये यहाँ के आत्माओं की बात है, बाबा से ज्ञान अमृत मिल रहा है, भगवान की पालना मिल रही है मुरली के द्वारा, लेकिन पालना मिलने के बाद भी असुर बन जाते हैं तो डंडे पड़ते हैं। मेरे आंखों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं कैसे माया अच्छे अच्छे बच्चों को ऐसे कर्म कराते, सचमुच में डंडे खाए हैं। रिसेंटली मैं अमरावती में साइबर क्राइम ऑफिसर से मिले, जिनके पास सभी साइबर क्राइम आते हैं, अलग अलग प्रकार से धोखाधड़ी के मामले आते हैं, आजकल अलग अलग रैकेट से इस्तेमाल करते, मैसेज आता है आपको और आपको बोला जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का इतना पेमेंट है या आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा वगैरह वगैरह। हमको किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है। कई लोग डर जाते हैं अगर कार्ड बंद हो गया, अकाउंट बंद हो गया या फ़ोन बंद हो गया, इसलिए क्लिक किया तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा, बैंक के पैसे ख़त्म हो जाएंगे, या बहुत सारे लोभ लालच। तो उसको मैंने एक ही सवाल पूछा उनको कि इसकी जड़ में क्या है, तो उन्होंने कहा जिनके भी लाखों रुपए गए हैं उनके जड़ में आमिष है या लोभ है, कुछ ना कुछ लोभ लालच देखकर गाड़ी का, पैसे का, बंगले का, प्रॉपर्टी का वो पकड़ लेते हैं और लोग इसमें रैकेट्स में फंस जाते हैं। तो बाबा ने समझाया कि मैं धर्मराज हूँ, इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे, अब डायरेक्ट आकर बाबा का बनने के बाद में बाबा की मेहनत बर्बाद करते, देखो बाबा का शब्द बहुत कड़ा है, अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। आप सोचो ये असुर कौन है, ये जो दो असुर का गायन है राहु और केतु, जो भी कुंडली देखते हैं उसमें हमेशा कहते हैं राहु की या केतु की दशा है, राहु माना आपको अच्छे राह पर चलने नहीं देगा, वो राहु है हमेशा गलत राह पर लेके जाएगा, केतु माना किंतु परंतु वाले, ये सब असुर विघ्न डालते हैं, दुशासन माना जिनका शासन ठीक नहीं है। आजकल के सभी नेता दुशासन शासन केवल स्वार्थ के लिए करते हैं, ये भी एक बिजनेस होता जा रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये डाउनफॉल है। फिर है कंस, जो हमेशा दूसरों को दुख देते हैं, वो सब कंस है। फिर है जरासंध, अंदर बाहर अलग स्प्लिट पर्सनालिटी, कीचक है जिनकी दृष्टि वृत्ति अपवित्र है वो सब कीचक है, मंत्रा है जो कान भरने वाले हैं वो सब मंत्रा है, कई कई है जिनको वरदान प्राप्त होते हुए भी वरदान को श्राप में परिवर्तन करते वो सब कई कई है, और समय पर जो कमजोरी का लाभ लेते हैं वो कई कई है। तो ये जितने भी असुर हैं, इनका गायन है, इनका गायन क्यों है, क्योंकि संगम युग पर ये सब हुआ है, जिसकी कहानियां बाद में बनाई गई है। तो बाबा अटेंशन खिंचवा रहे कि बच्चा ऐसा कुछ नहीं करना है, मेरे सामने एक एक केस मैं देख रहा हूँ, किसी न किसी विकार के वश ऐसे कर्म किए हैं जो आज डंडे खा रहे हैं। बाबा ने दूसरा यही बात कही है कि जैसे महिमा ईश्वर की अपरंपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है, कयामत का समय है। तो हमारे द्वारा ऐसा कोई अकर्तव्य का कर्म नहीं करना चाहिए, गफलत नहीं करना है। मैं ये बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ
कि पूरी मेहनत आपने कितने साल सेवा की, वो पूरी मेहनत एक कर्म से खत्म हो सकती है। ऐसे उदाहरण मेरे सामने है, बहुत सेवा किया, थक होके सेवा किया, लेकिन आज जो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया उसके ऊपर मैं थोड़ा समय लूँगा। बाबा ने भक्ति मार्ग का शब्द इस्तेमाल किया, वो है वासना। वासना है, अभी ये वासना आपको संपूर्ण अवस्था से नीचे लेकर आएगी। वासना को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, पहले बाबा के शब्दों को सुनेंगे। बाबा ने कहा कि यदि धारणा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी, अंदर कुछ जाता ही नहीं है, तो समझा जाता है कि वासना वाले हैं। अभी वासना क्या है, वासना के ऊपर शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। ऐसे कहते हैं कि वासना के आधार पर नया जन्म होता है। तो वासना को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि वासना किसे कहेंगे, तो वासना है इच्छाओं की अत्यधिकता, वासना है सुख लोलुपता, वासना है प्राप्ति की चाह, सुख भोग की कामना। वासना माना इंद्रियों की गुलामी, इंद्रियों की सत्ता, और चाहिए है, जिसको हमने देखा भगवद गीता में। भगवद गीता 3rd अध्याय कर्मयोग 36 और 37वां श्लोक, जब अर्जुन पूछता है कि सब कुछ पता होते हुए भी लोग गलत काम क्यों करते हैं, तो भगवान उवाच है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, मन रजोगुण से उत्पन्न ये वासनाएं है। तो वासनाएं मन की दुर्बलता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे पागल हो जाना, उससे चिपक जाना। अब इसके ऊपर इतने सारे शब्द हैं, ये मकान और दुकान की वासना, कबाब और शराब की वासना, जर जोरू और जमीन इसकी वासना। वासना का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं, इच्छा तो रहेगी, लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा इच्छाओं की भी हद है, नियंत्रित या अनियंत्रित इच्छा है, सीमित है या असीमित है, परिमित या अपरिमित है। तो देखना चाहिए, इच्छाओं की भी लिमिट होती है, और इस समय माया अपनी चरम सीमा पर है, तो एक के पीछे एक इच्छाओं को जन्म देते रहते और बुद्धि अशांत भटकाती है, वासना से चित्त उखड़ा उखड़ा रहता है, अशांत रहता है। वासना एक प्रकार का चक्रव्यूह है, जिसमें अगर फंस गया तो मनुष्य बहुत पाप कर्म करता है। अभी देखो, यज्ञ सेवा के लिए धन चाहिए, ये बहुत अच्छा विचार है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन धन कमाने का तरीका क्या है आपके पास? तो मेरे सामने केस है, लोन लिया, उधार लेके सोचा बाबा का बिजनेस करेंगे, लेकिन वो पैसा चुक तो नहीं कर पाए, बिजनेस क्लिक नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उसको चेक करने के लिए दूसरा लोन लिया, अभी फंसते गए। जबकि बाबा की स्पष्ट श्रीमत है संगम युग पर, कर्ज मर्ज है, कर्जा जितना हो सके लेना नहीं चाहिए। और बिजनेस में बाबा कहता है कि ज्यादा लोगों को रखेंगे तो कलयुग ही बुद्धि है, बहुत धोखा खाएंगे, बाबा ने ये स्पष्ट बताया हुआ है। लेकिन फिर भी लोभ एक ऐसा विकार है जो अच्छे अच्छे बच्चों को खत्म कर देता है, फिर डंडे खाने पड़ते हैं। और यही हुआ, जो फाउंडेशन वाली आत्मा थी आज डंडे खाकर ज्ञान के बाहर होने के कगार पर है। कॉन्फिडेंशियलिटी होने के कारण मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है धन से सेवा होगी। तो मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ, धन से होगी या धारणा से होगी? उल्टा देखा गया है कि जब यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था, बेगरी माना धन नहीं था, लेकिन अवस्था बहुत अच्छी थी। बाबा ने यज्ञ की हिस्ट्री में सुनाया है कि डोड़ा छाछ खाते थे, माना रोटी और छाछ,
अभी छाछ कई अस्थमा वालों को तकलीफ देता है, दमा के पेशेंट होते हैं, लेकिन बाबा की याद में वो खाया डोडा छाछ, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो धारणा से सेवा होती है, धारणा मूर्त के हर कर्म में सेवा है। तो ये हमने गलत समझ लिया कि धन से सेवा है। बाबा ने बहुत बार कहा है कि भवन से नहीं भावना से, साधन से नहीं साधना से। तो वासनाओं से अपने आप को बचाना है। भक्ति मार्ग की व्याख्या में बता रहा हूं कि मोक्ष किसे कहते हैं और मृत्यु किसे कहते हैं। तो वो मृत्यु की व्याख्या देते हैं। मृत्यु माना सांस खत्म हो चुकी है लेकिन वासनाएं अभी बाकी है, उसको कहते हैं मृत्यु। और मोक्ष माना वासनाएं समाप्त हो चुकी है और फिर भी श्वास बाकी है, तो उसको मुक्ति की अवस्था कहेंगे। तो देखना चाहिए, वासना की खेती तो हम नहीं करते। हर एक को पता है उसके अंदर कौन सा संस्कार है। वासना का रूप है आसक्ति, प्रलोभन, उत्तेजना, किसी के अति में जाना वासना है। मन की बीमारी है ये। शरीर की बीमारी को जैसे हम स्वीकार करते हैं, ऐसे मन की बीमारी को भी स्वीकार करना है। वासना दुख के साथ जुड़ी हुई है। और बाबा ने तो रॉयल बताया है कि देखो, लौकिक दुनिया वालों में अलग वासनाएं होते हैं और जो योगी होती है उनकी वासना अलग है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैंने त्याग किया, इसका भी अहंकार आना, ये भी एक वासना है कि लोग मुझे पूछे, मेरा सम्मान करे, तो इस त्याग का भी त्याग करना चाहिए, नहीं तो ये भी काम करेगा। वासना को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, दमन से बीमारी उत्पन्न होती है। वासना के बारे में शास्त्रों ने कहा ऊर्ध्व गमन होना चाहिए, जिसको हमने देखा काम विकार को शुभ कामना में परिवर्तित करना चाहिए। तो इच्छाओं को दबाना नहीं है, इच्छाओं को समझना है, ये खालीपन से आती है, भोग भोगने की इच्छा। इसलिए हमने देखा है ईशावास्य उपनिषद का फेमस श्लोक, तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईशावास्य इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता। माना त्याग में ही भोग है, भोग में सुख नहीं है, ये समझने में पूरी जिंदगी चली जाती है। तो देखना चाहिए आज के मुरली में जो बाबा ने कहा, मेरे अंदर कोई वासना तो नहीं है, क्योंकि वासना माना आपको भटकाएगी। बाबा ने उदाहरण लिया है, सन्यासियों के अंदर भी वासना होती है, वो जन्म लेंगे फिर से सन्यास करने का ख्याल आएगा। सत्युग में ऐसे कोई भी वासना नहीं होती, विकार की बात ही नहीं होती है, क्योंकि वहां माया ही नहीं है, वहां तो जन्म जन्मांतर निर्विकारीपने का संस्कार रहता है। लेकिन आज बाबा ने कहा यहाँ कुछ बच्चे ऐसे जिनके कपड़े बिल्कुल ही मैले हैं, थोड़ी सोटी लगाई तो एकदम फट पड़ते हैं और फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, रहम दिल बनकर, लेकिन माया बेरहमी करती है। बाबा ने कहा सत्यानाश कर देती है। तो आज पूरा चेक करेंगे कि मेरा स्वभाव क्या देवता ही है। बाबा ने तीन प्रकार के बच्चे बताए, एक जो बिना बताए सब कुछ अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, वो उनका देवता ही स्वभाव है। जो बताने के बात करते हैं वो मनुष्य है, और जो कहने से भी नहीं करे उनके बारे में तो पूछना ही नहीं है, वो असुर कहेंगे। तो चेक करना चाहिए क्या मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ। कई लोगों में ये संस्कार होते हैं कि वो समझ लेते हैं कि इस समय इस चीज की जरूरत है, और बुद्धि अगर क्लीन और क्लियर है तो बाबा आपको टच कराएगा। कितने सारे यज्ञ के अनुभव है कि बाबा जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है उनको टच कराता है कि इस सेंटर पर अभी इसकी जरूरत है।
तो जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, जिनका स्वभाव मीठा है, उन्हीं को बाबा सेवा में यूज करता है। तो बाप का मददगार बनना चाहिए, समान में स्थित होना चाहिए कि मैं बाप का राइट हैंड हूँ, ईश्वर का मददगार हूँ, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग मुझे देखेंगे कहेंगे ये शिव बाबा का सेवाधारी है। तो स्वभाव बहुत मीठा रहना चाहिए। सेवा में अवस्था बनती है तो बिगड़ती भी है, मैंने ये भी देखा है, सेवा में अवस्था बनती है तो बिगड़ती भी है। तो कई लोग सेवा में नाराज हो जाते हैं क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में या नाम मान शान के लिए सेवा करते हैं। कई लोगों को लगता है मेहनत तो हम करते हैं, महिमा किसी और की हो जाती है। तो ये हमको ध्यान देना चाहिए कि जो भी सेवा है सबको एड्रेस किया जाए, सबको धन्यवाद दिया जाए। खास करके जो प्लेबैक होते हैं, जैसे स्क्रीन पर हीरो दिखाई देता है, वो केवल एक्शन कर रहा है लेकिन गाने वाला कोई और होता है, ऐसे जो बाबा के बच्चे दिन रात सेवा में लगे हुए हैं उनको एक्नॉलेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये खास निमित्त आत्माओं को ध्यान में रखना है कि टीम वर्क है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। अभी हम जहाँ पर भी प्रोग्राम करते हैं, अभी अमरावती में प्रोग्राम हुआ, तो स्टेज को कोऑर्डिनेट करना, वीआईपी को बुलाना, गेस्ट को बुलाना, उनको बिठाना, मुझे बहुत वंडर लगा। हमारे दो डॉक्टर हैं, अभी दोनों डॉक्टर हैं लेकिन वो कहीं स्टेज पर नहीं है। मैंने कहा तुम दिखाई क्यों नहीं देते, कहाँ थे? तो कहा हमको दीदी ने भोजन बनाने की ड्यूटी दी है। तो मैं बहुत वंडर खा गया, ये दोनों डॉक्टर सीनियर है, इनके क्लिनिक है बड़े बड़े, लेकिन ये किचन में सेवा दे रहे भोजन बनाने की। तो बाबा के बच्चे देखो कितना निरंकारी होते हैं, जो सेवा मिले वो करते हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं शांतिवन में पहली बार सेवा करने गया, तो मुझे भी शांतिवन में सिक्योरिटी की सेवा दी थी। तो मैंने हाँ बोला, नाइट रात भर जाग के सिक्योरिटी की सेवा की। तो कुछ समय बाद लोगों को पता चला ये कुमार तो MBBS डॉक्टर है, तो इसको सिक्योरिटी की सेवा नहीं देनी चाहिए, ये पेशेंट को देख सकता है। तो बाद में उन्होंने मुझे पेशेंट को देखने को भेजा। तो बेसिकली मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमारा संस्कार दैवी होना चाहिए। देवताओं को कुछ भी कहने की दरकार नहीं होती है। तो हम सबको सुख दे, इसके पीछे का भाव एक ही है कि सतयुग के संस्कार हम यहाँ पर धारण करके जाए। नहीं तो बाबा ने आज जेल को भी याद किया, गर्भ जेल, और फिर दूसरा जेल भी होता है, वहाँ पर भी खुशी से जाते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं। तो अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, बाबा ने इसको कहा आत्मघात कहा है। तो सदा बाप की याद में रहकर अपरंपार शिव बाबा की महिमा में अपने को सुख स्वरूप बनाना है। आज एक मजे की बात बाबा ने कही है कि आप संकल्प का स्विच ऑन करो और बुद्धि रूपी विमान के द्वारा वतन में पहुंच जाओ। सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी लो, पिकनिक करो, खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि के अंदर डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। और डबल रिफाइन माना दो नशा, एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, और दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहज योगी बना देंगे और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान अपने बुद्धि में रखते हैं और श्रेष्ठ कर्म के ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ कर्म की लकीर खींचते हैं, उनका भाग्य श्रेष्ठ बनना ही है। वो कल्प कल्प के पद्मा पदम भाग्यशाली विजयी रतन बनते हैं। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम पॉइंट है कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, मेरे द्वारा किसी को भी दुख नहीं मिलना है, मेरा स्वभाव और संस्कार देवताई होना चाहिए, बोलने के पहले ही मुझे समझ में आना चाहिए
कि कहाँ किस चीज की जरूरत है, अथक होके सेवा करना, यज्ञ स्नेह सेवा से स्नेह रखना है, बाप का मददगार बनना है, ऐसे बच्चों की बाप खातिरदारी करते हैं। अभी का अनुभव सुनाता हूँ। अभी हम वीसी से मिलने गए थे मुंबई में, डॉक्टर अशोक मेहता ने बुलाया, तो मैं देखा बहुत दिनों के बाद ट्रेन में जर्नी करने का योग आया। मुंबई की ट्रेन जर्नी माना धर्मराज की सजा होती है, कीड़े मुंगे की तरह लोग होते हैं, शाम का पीक टाइम है। अभी मैं सोचा कैसे घुसूं, तो पुराने संस्कारों को इमर्ज किया। ट्रेन 9 या 12 डब्बे की होती है, तो दूसरा डब्बा लेडीज के बाद जेंट्स का होता है। अभी वो दूसरा डब्बा पकड़ने के लिए मैं 6ठे डब्बे के लोकेशन पे खड़ा हूँ। ट्रेन जैसे ही घुसती है, ट्रेन के साथ भागते हुए डब्बे को चलती ट्रेन में घुस के विंडो सीट पकड़ना होता है, बैठने को मिलता है। और फिर मैं तो स्लो ट्रेन में बैठा था, क्योंकि हमारे इधर फास्ट ट्रेन रुकती नहीं है स्टेशन पर। तो जब अंदर घुसा तो पता चला कि ये फास्ट ट्रेन है, और मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने इंडिकेटर पे स्लो ट्रेन देखा था। लेकिन आगे पता चला कि ये ट्रेन विक्रोली स्टेशन रुकने वाली है। अभी इसको आप क्या कहेंगे मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे अनुभव। टैक्सी भी निकला, इम्पोर्टेंट मीटिंग थे, ट्रैफिक पूरा जाम था, लेकिन वो ड्राइवर में ऐसे निकाला टैक्सी दूसरे रोड से कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। रोज के अनुभव होते हैं। मैं ये अनुभव करता हूँ कि बाबा बच्चों का ध्यान रखते हैं, खातिरी करते हैं, और बाप ऐसे बच्चों को देख के हर्षित होते हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे ऐसे अथक यज्ञ सेवा के स्नेही बने, अपने को ऑफर करें, तो बाप का प्यार हमको कदम पदम पे मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।